क्यों हर 12 साल के बाद अंधेरे में डूब जाती है जगन्नाथपुरी। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के चार धाम में से एक है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी बहुत सी मान्यताएं सदियों से चली आ रही है। इनमें से एक परंपरा है जगन्नाथ जी की मूर्तियों को हर 12 साल में बदलना। दरअसल हर 12 साल के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है उस समय पूरे शहर की बिजली कट कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। मूर्तियां बदलने के वक्त मंदिर की सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित होता है। मूर्तियां बदलने वक्त सिर्फ एक ही पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और आंखों में पट्टी बांधी जाती है। मूर्तियां बदलने वक्त एक चीज है जो वैसी की वैसी रहती है और वो है ब्रह्मा पदार्थ। इस ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। ब्रह्मा पदार्थ को लेकर यह मान्यता है कि अगर किसी ने भी इसे देख लिया तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। इस ब्रह्मा पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया तब उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया लेकिन उनका दिल जीवित रहा। माना जाता है कि उनका यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वह आज भी धड़कता है।